हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 6th क्लास की हिंदी की किताब पहली भाषा फर्स्ट लैंग्वेज और उसमें तीसरा पाठ जो कि है संगीत का जादू। आज हम इस पाठ को डिटेल में पढ़ेंगे और मुश्किल शब्दों के अर्थ भी जानेंगे। शुरू करते हैं। राजा अकबर के राज्य में एक साधु रहता था। साधु बहुत अच्छा संगीतज्ञ भी था। अब यहाँ पर जो मुश्किल शब्द है वो है संगीतज्ञ। संगीतज्ञ का मतलब होता है संगीत जानने वाला या संगीत विद्या का ज्ञान रखने वाला, उसको हम संगीतज्ञ बोलते हैं। आगे बताया गया है, जब राजा अकबर को साधु की इस विशेषता मतलब खूबी के बारे में पता चला तो उसकी भी साधु का संगीत सुनने की इच्छा हुई। तो ये जो कहानी है ये अकबर राजा के टाइम की है, उनकी कहानी है और एक संगीतज्ञ की है। आगे पढ़ते हैं क्या बताया गया है। अकबर ने अपने दो तीन अनुचरों, अनुचरों का मतलब ये होता है अपने दो तीन नौकरों को, ठीक है। तो यहाँ बताया गया है अकबर ने अपने दो तीन अनुचरों को साधु को बुलाने के लिए भेजा। साधु के पास पहुंचकर उन लोगों ने राजा का संदेश उसे सुनाया और कहा, आपका सौभाग्य है, मतलब किस्मत है महात्मा जी, जो आपका संगीत सुनने की राजा ने इच्छा प्रकट की है। यदि आपका संगीत राजा को पसंद आ गया तो वह आपको मुंह मांगी रकम दे देगा, निहाल कर देगा, प्रसन्न कर देगा, धन्य कर देगा, खुशी कर देगा। उन लोगों की बातें सुनकर साधु मुस्कुराया, फिर बोला, राजा ने मेरा संगीत सुनने की इच्छा प्रकट की, इसके लिए धन्यवाद। किंतु जिस संगीत को राजा सुनना चाहता है वह संगीत तो कभी कभी संयोग से ही बन पड़ता है, किस्मत से। प्रयत्न से पैदा किया हुआ संगीत राजा को प्रसन्न ना कर सकेगा, मतलब जो मेहनत से मैं कोशिश करके संगीत पैदा करूंगा वो राजा को खुश नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो संगीत मैं बनाता हूँ ये तो कई कई बार किस्मत से ही अच्छा बन पाता है, और हो सकता है जो मैं दरबार में संगीत सुनाऊं वो राजा को खुश ना कर पाए, है ना। तो उसने ये सारी बात जो है संगीतज्ञ ने राजा के भेजे हुए नौकरों को बताई। फिर उसने बोला, मैं राजा को संगीत सुनाने के लिए नहीं जा सकता, आप लौट जाएं। राजा के अनुचर नौकर लौट गए, किंतु उनकी दृष्टि में वह साधु मूर्ख था, उनकी नजर में वो मूर्ख था। इतने अच्छे अवसर मौके को हाथ से गवा दिया, वे बार बार इसी बात को दोहरा रहे थे। जब उन्होंने साधु का निर्णय फैसला राजा को बताया तो राजा क्रोध से लाल हो उठा, मतलब बहुत गुस्सा आया उसे। उसने साधु को बुरा भला कहा, परंतु राजा का मंत्री विद्वान, समझदार और बुद्धिमान था। उसने राजा को शांत करते हुए कहा, महाराज आप क्रोध ना करें, गुस्सा ना करें, अपराध क्षमा हो, गलती क्षमा हो, वह साधु अवश्य है, किंतु आप उसे बुरा भला नहीं कह सकते। सत्य बात तो ये है, खैर रहने दो, मतलब उसने कुछ बोला नहीं। राजा का क्रोध शांत हो चुका था। उसने नम्र वाणी में मंत्री से कहा, नहीं नहीं मंत्री जी, रहने क्यों दें, आप पूरी बात कहिए। तो उसने बड़े निम्रता से, बड़े प्यार से अपना गुस्सा ठंडा करके मंत्री से बोला कि रहने क्यों दें, आपके मन में जो भी बात आ रही है आप वो मुझे बात समझाइए, वो कहिए मुझे बात। तो उसके बाद मंत्री बोलता है, तो सुनिए महाराज, सत्य बात ये है कि इस समय वह साधु आपकी संपत्ति दौलत का याचक नहीं है, बल्कि आप उसके संगीत के चाहवान हैं। याचक आप हैं और वह दाता, वह साधु, आपको यदि संगीत सुनना ही है तो आपको साधु के पास ही पहुंचना होगा। तो संपत्ति मतलब धन दौलत।
वैसे तत्काल मतलब तुरंत मैं आपके मनोरंजन के लिए मतलब मन बहलावे के लिए, ठीक है। तो तत्काल का मतलब होता है तुरंत, या आप कह सकते हैं उसी समय। और मनोरंजन मैंने आपको बता दिया, मन बहलावे के लिए वो बोलता है कि वैसे मैं आपके जो मन बहलावे के लिए, जो आपको संगीत सुनने की इच्छा हो रही है उसके लिए मैंने क्या किया है, तत्काल मैं आपके मनोरंजन के लिए दरबार के प्रसिद्ध मशहूर गायक तानसेन को बुलवा चुका हूं, वह थोड़ी देर में आता ही होगा। मंत्री ने यह उत्तर दिया। मंत्री ने जो ही अपना कथन वाक्य समाप्त किया, त्यों ही दरबारी गायक तानसेन वहां आ पहुंचे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कथन का मतलब कहना, या आप कह सकते हैं अपनी बात जैसे ही पूरी की, वहां पर जो तानसेन जी हैं वो पहुंच गए थे दरबार के अंदर। तो जब तानसेन दरबार में पहुंचे तो उसके बाद क्या होता है वो हमें यहाँ पर बताया गया है। तो राजा ने तानसेन को भी साधु वाली बात बताई, तो राजा ने बोला तानसेन को भी कि ऐसे ऐसे करके एक समस्या आ गई है। तो उसके बाद तानसेन ने कहा, महाराज वह साधु तो सचमुच स्वर्ग का गंधर्व है, मतलब एक जाति है स्वर्ग में रहने वाले लोगों की, मतलब वो ऐसे लगता है कि शायद वो स्वर्ग से ही आया हुआ एक कोई गीत सुनाने वाला है, मतलब वो स्वर्ग की जाति का एक गायक है। शायद किसी श्राप के कारण इस पृथ्वी पर आ पहुंचा है। आहा, क्या जादू है उसकी उंगलियों में। जो ही वीणा के तारों पर उंगलियां फिरती हैं, वीणा अमृत बरसाने लगती है। किसी ने सत्य ही कहा है महाराज, सच्चा संगीत पैदा नहीं किया जाता, वह तो संयोग किस्मत से खुद ही सजीव हो उठता है, ठीक है। यह हम जैसा भाड़े का टट्टू नहीं है। और यहाँ पर आप कह सकते हैं सजीव शब्द मतलब आप कह सकते हैं जीवित हो उठना या पैदा हो उठना। तो फिर वो उसके बाद बात आगे जारी रखता है और वो कहता है कि वह तो हम जैसा एक भाड़े का टट्टू नहीं है कि जिसको पैसे दिए और कभी भी दरबार के अंदर बुला लिया, वो ऐसी किस्म के आदमी नहीं है। तो फिर वो क्या बोलता है कि वो किस किस्म के आदमी है, फिर वो महाराज को, जो तानसेन जी हैं वो महाराज को एक्सप्लेन करते हुए फिर से अपनी बात रखते और बोलते हैं, महाराज जो राजा की आज्ञा पाते ही पूंछ हिलाता हुआ आपके दरबार में आ पहुंचे, मतलब भाड़े के टट्टू की बात की है। राजा ने कहा, कलाकार यदि आप भी उसकी कला के प्रशंसा करने वाले हैं तो वह वास्तव में सचमुच बहुत गुणवान होगा। ये बात सुनाकर तो आपने हमें विवश कर दिया है कि उसके पास चलकर ही उसके संगीत का आनंद लिया जाए। कुछ क्षण पल रुकने के बाद अकबर ने मंत्री को आज्ञा दी, मंत्री जी मैं तानसेन के साथ उस साधु का संगीत सुनने जाना चाहता हूँ, हमारे लिए दो घोड़े मंगवाओ। मंत्री कुछ उत्तर देता इससे पूर्व पहले ही तानसेन बोल उठे, ऐसा गजब मत करना महाराज, यदि आपको सच्चा संगीत सुनना है तो आपको यह भुला देना होगा कि आप राजा हैं। आपको विनम्र मतलब, यहाँ पर विनम्र का मतलब होता है नम्रता पूर्वक, और श्रोता का अर्थ होता है सुनने वाला, ठीक है। तो इस पे जो हमारे तानसेन जी हैं वो
जो राजा है उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि आप ऐसी गलती, गजब गलती मत कर देना कि आप राजा बन के जाएंगे और वो आपको गीत सुना देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा और हम ऐसी गलती चाहते भी नहीं है कि आप करें। तो फिर वो राजे को आगे अपनी बात रखते हुए फिर से बोलते हैं, आपको विनम्र श्रोता बनकर ही संगीतज्ञ के पास चलना होगा। तो क्या पैदल ही? अकबर ने प्रश्न किया। ना केवल पैदल ही बल्कि इन राजसी वस्त्रों कपड़ों को उतार कर भी। यदि आपने राजा बनकर संगीत सुना तो वह तो वैसा ही संगीत बनकर रह जाएगा जो हम नित्य रोज आपको सुनाते हैं। कलाकार की शर्त बड़ी अजीब थी, किंतु अकबर तो संगीत सुनने के लिए व्याकुल थे, बेचैन थे। उसने तुरंत अपनी राजसी पोशाक उतार कर मामूली कपड़े पहन लिए और नंगे पैर उस संगीतज्ञ के साथ चल पड़ा। साधु की झोपड़ी पर पहुंचते पहुंचते उन्हें रात हो गई। वह पूर्णमासी की रात थी, कार्तिक का महीना था। चंद्रमा की शीतल ज्योत्सना ने उनकी दिन भर की थकान हर ली। राजा अपने साथ आए संगीतकार से बोला, कलाकार, यदि इतने परिश्रम के बाद भी हम साधु का सच्चा संगीत ना सुन पाए तो दुख होगा। कोई ऐसी युक्ति, स्कीम सोचिए, ढंग सोचिए जिससे हम साधु का संगीत सुन सके। महाराज, मैंने युक्ति सोच ली है, उसके सफल होने की पूरी पूरी आशा है, आप निराश दुखी ना हो। इतना कहकर तानसेन ने राजा को झोपड़ी के बाहर बने चबूतरे पर बिठा दिया और स्वयं भी उसके समीप साथ ही बैठकर अपनी वीणा की तार मिलाने लगा। जानबूझकर ही उसने गलत ढंग से राग गाना शुरू किया अलापना। वीणा की झनकार और राग का गलत अलाप सुनकर राजा, जो साधु झोपड़ी से बाहर निकल आया, उसने वीणा को अपने हाथ में ले लिया और संगीतकार को राग निकालने की सही तरकीब बताने लगा। महाराज, इस राग को आप ही गाएं तो आपकी बड़ी कृपा होगी। संगीतज्ञ ने साधु से निवेदन किया, बेनती की। साधु ने सहर्ष गाना शुरू कर दिया। गायक और श्रोता सब आनंद में डूबकर आत्मविभोर हो गए, मतलब अपने आप में मस्त रह गए। उन्हें ये भी पता न चला कि चंद्रमा सूरज के रूप में बदल गया, रात से दिन हो गया। जब वे आनंद के संसार से निकलकर वास्तविक असल की दुनिया में लौटे तो पता चला कि रात जा चुकी है। साधु को भी अपने दैनिक कृत्य करने थे, मतलब दिन के काम करने थे। ठीक है, तो यहाँ पे कृत्य का मतलब आप कह सकते हैं कार्य। साधु को अपने जो भी दिन के काम है वो उसको करने थे। तो साधु ने क्या किया, उसने वीणा संगीतज्ञ को लौटाते हुए कहा, सचमुच आनंद आ गया आज तो। उसके बाद, हाँ महाराज, सचमुच आनंद आ गया। मैं 8 वर्ष से राजा हूं, किंतु 8 वर्ष की लंबी अवधि समय में 1 घंटे के लिए भी मुझे ऐसा आनंद नहीं मिला जो आज लगातार 8 घंटे तक मिला है, राजा ने कहा। राजा को अपने सामने देखा तो साधु कुछ सकप काया, मतलब बेचैन सा हो गया। ठीक है, या आप कह सकते हैं चकित सा हो गया, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था कि उसके सामने जो बैठा है वो एक राजा है। तभी राजा के साथी संगीतज्ञ ने सारी कहानी साधु को सुना दी।
साधु ने हंसकर राजा से कहा, आपके सेवक यो कह रहे थे कि हमारे राजा को आपका संगीत पसंद आ गया, तो वे आपको पुरस्कारों से लाद देंगे, भर देंगे। अब आपको संगीत पसंद आ ही गया है, कहिए अब आप मुझे क्या दे रही हैं? महाराज, आपके पास बिताए इन आनंद के क्षणों की तुलना में मेरा सारा राज्य भी तुच्छ है, छोटा है, मामूली है। मेरा अहंकार भी गल गया है। इस प्रकार कहते हुए राजा की आंखें भर आई और लुढ़क कर दो मोती साधु के पैरों पर जा पड़े। जानते हो वह साधु कौन था? वह था महान संगीतज्ञ गुरु हरिदास। गुरु हरिदास तानसेन के गुरु थे। भारत को ऐसे महान व्यक्तियों पर नाज है, मतलब गर्व है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।